हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर चैप्टर 3 दैट इज प्लांट किंगडम फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स एंड इन दिस चैप्टर वी स्टार्ट विद एल्गी. यू नो इन द प्लांट किंगडम एल्गी आर द मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट्स. सो लेट्स सी व्हाट एल्गी आर एंड व्हाट देयर डिफरेंसेस आर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस. ओके, सो एक्चुअली एल्गी वो प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं जिनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल टाइप का है. यानी हम कह सकते हैं कि एल्गी आर द सिंपलेस्ट प्लांट्स इन द एंटायर प्लांट किंगडम. लेकिन इसमें तीन क्लासेस हैं. यानी एल्गी को हम पूरे एल्गी ग्रुप को हम तीन क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, राइट. नंबर वन क्लोरोफाइसी, सेकेंड फियोफाइसी एंड थर्ड इज रोडोफाइसी. अब जैसा इनके नाम से पता चल रहा है, क्लोरोफाइसी मीन्स जिनमें ग्रीन कलर यानी ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल पाए जाते हैं. और बेसिकली इसमें क्लोरोफिल के ए और बी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं ज्यादातर. तो इसलिए इन एल्गी को जो क्लोरोफाइसी को बिलोंग करते हैं उनको हम कॉमनली ग्रीन एल्गी कहते हैं, ठीक. इसी तरह फियोफाइसी क्लास को बिलोंग करने वाले सारे एल्गी ब्राउन एल्गी कहलाते हैं, कॉमन नेम. और रोडोफाइसी के मेंबर्स रेड एल्गी कहलाते हैं. ओके, तो इनके बीच में एक कंपेरेटिव स्टडी हम करते हैं. आज देखते हैं कि इसमें क्या क्या स्पेसिफिक फीचर्स पाए जाते हैं. फर्स्ट इन क्लोरोफाइसी, ये ए और बी जो आप देख रहे हैं ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स के नाम है. क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी इसमें ज्यादातर पाए जाते हैं क्लोरोफाइसी में. और इनकी प्लांट बॉडी ये यूनिसेल्यूलर है, कॉलोनियल है और फिलामेंटस प्लांट बॉडी भी हो सकती है. यानी इसमें यूनिसेल्यूलर प्लांट्स भी इंक्लूडेड है, इसमें कॉलोनियल प्लांट्स भी आते हैं, कॉलोनियल एल्गा और साथ ही साथ फिलामेंटस एल्गी जैसे स्पाइर वगैरह है. कॉलोनियल में जैसे वॉलबॉक्स है, राइट. तो ये इसमें कैटेगरीज में आते हैं, यूनिसेल्यूलर कॉलोनियल और फिलामेंटस प्लांट बॉडी वाले प्लांट्स होते हैं ये क्लोरोफाइसी मेंबर्स. सेकेंड इज, क्योंकि इनका नाम क्लोरोफाइसी है इसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, तो आप जानते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इन द सेल्स. सो क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली अलग अलग शेप के अलग अलग पैटर्न के हो सकते हैं. यानी कुछ एल्गी में क्लोरोप्लास्ट जो है वो डिस्कॉइड शेप का होता है, किसी में प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में है, किसी किसी में रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, कहीं कहीं कप शेप्ड का क्लोरोप्लास्ट भी होता है, कहीं रिबन लाइक भी है और कहीं कहीं स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं, राइट. तो ये अलग अलग शेप के अलग अलग डिजाइन के क्लोरोप्लास्ट पाए जा सकते हैं इन क्लोरोफाइसी. नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट के साथ क्लोरोप्लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल स्टोरेज कैपेसिटी के लिए स्टोरेज बॉडीज भी पाई जाती हैं, जिनको हम पायरिनोइड्स कहते हैं. तो पायरिनोइड्स आर एक्चुअली एडिशनल स्टोरिंग बॉडीज विच आर प्रेजेंट इन क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट. सो क्लोरोप्लास्ट में ये जो पायरिनोइड्स पाई जाती हैं इनमें स्टार्च को एक्यूमुलेट करने के साथ साथ स्टार्च को स्टोर करने के साथ साथ प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं. यानी पायरिनोइड्स एक्चुअली दे स्टोर प्रोटीन एज वेल एज स्टार्च, राइट. नेक्स्ट फीचर इज कि क्लोरोफाइसिक मेंबर्स में जो सेल वॉल है वो रिजिड सेल वॉल पाई जाती है, यानी हार्ड सेल वॉल पाई जाती है जिसकी अंदर की लेयर सेल्युलोज की बनी है एज यूजुअल जैसे प्लांट्स में होता है प्लांट सेल में, और बाहर की लेयर पे यहाँ पेक्टोज का डिपोजिशन होता है. यानी यहाँ सेल वॉल एक हार्ड है रिजिड सेल वॉल पाई जाती है जिसमें सेल्युलोज के लेयर के बाहर एक पेक्टोज की लेयर भी डिपोजिट होती है, राइट. नेक्स्ट अब इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं. तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइसिक मेंबर्स में फ्रेगमेंटेशन के जरिए होता है, फ्रेगमेंटेशन के जरिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है. उसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनमें ज़ूस्पोर्स पाए जाते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कुछ गैमेट्स हैं जो सेक्सेस पाई जाती है, जो आइसोगैमस भी हो सकती है, एनआइसोगैमस भी हो सकती है किसी किसी में, और कहीं कहीं ओगैमस भी होती है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीनों प्रकार की वैरायटी है, आइसोगैमस एनआइसोगैमस और ओगैमस टाइप के सेक्स सेल्स पाए जाते हैं. और इसमें एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास, कारा, वॉलबॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइर वगैरह वगैरह, ठीक. तो जिसमें मैंने बताया कि वॉलबॉक्स एक कॉलोनियल एल्गा है, राइट. स्पाइर वगैरह एक फिलामेंटस फॉर्म है एल्गी की. सो स्पाइर वगैरह, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, वॉलबॉक्स, कारा और क्लेमाइडोमोनास ये हमारे क्लोरोफाइसी ग्रुप के मेंबर्स पाए जाते हैं. ओके, सो लेट अस सी अबाउट द सेकेंड कंडीशन.
लेट इज व्हाट इज सेकंड कंडीशन प्यूफाइसी। प्यूफाइसी पहले कैरेक्टरिस्टिक है कि इनके जो शेप है और जो फॉर्म्स है उसमें बहुत वेरिएशन है, यानी ये सिंपल ब्रांच फॉर्म से लेके और प्रोफ्यूज की ब्रांच जो कि अबाउट 100 मीटर तक की लेंथ के हो सकते हैं, इतना इसमें वेरिएशन पाया जाता है इनके साइज में और इनके फॉर्म्स में लेके। ओके, जैसे सिंपली जो सिंपल ब्रांच फॉर्म होती है जिसको एक्टोकार्पस हम बोलते हैं, तो एक्टोकार्पस से लेके और भी दूसरी बहुत सारी अलग अलग तरीके की फॉर्म्स और साइजेस के मेंबर्स इस प्यूफाइसी में देखने को मिलते हैं। सेकेंड पॉइंट इज इनमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, लेकिन क्लोरोफिल के साथ साथ क्लोरोफिल के ए, क्लोरोफिल सी ये मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जनरली, और इसके अलावा कुछ पिगमेंट्स और भी हैं जैसे कैरोटीनॉइड्स, जैंथोफिल, फ्यूगोजैंथिन, ये पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं इनमें, तो इसलिए इनका कलर ब्राउन एल्गी बोला जाता है इनको, क्योंकि इसमें ग्रीन कलर के अलावा और दूसरे कलर्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट इज वेरिएशन इन कलर्स, और इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो पिगमेंट्स हैं, इन पिगमेंट्स की वैरायटी होने की वजह से इस प्यूफाइसी ग्रुप में एल्गी के बॉडी का कलर भी अलग अलग तरीके का होता है, राइट। जैसे ज़ेंथोफिल में फ्यूगोजैंथिन है, तो इनके अमाउंट के आधार पर डिपेंड होता है कि वो एल्गी का बॉडी का कलर कैसा दिखेगा। नेक्स्ट इज फूड स्टोर्ड एज लेमिनेरियन और मैनिटोल, यहां जो फूड है वो लेमिनेरियन स्टार्च के रूप में इकट्ठा होता है या हम मैनिटोल के रूप में यहाँ फूड स्टोर किया जाता है इन प्यूफाइसी मेंबर्स में। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल वॉल ऑफ सेल्युलोज एंड एल्गिन, जैसे हमने क्लोरोफाइसी में देखा था कि वहां सेल्युलोज की सेल वॉल के बाहर एक पेक्टोज की लेयर पाई जाती है, यहाँ प्यूफाइसी में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ सेल्युलोज की सेल वॉल तो है लेकिन उसके बाहर की तरफ एक जिलेटिनस शीट पाई जाती है, जिलेटिनस कवरिंग पाई जाती है जिसको एल्गिन कहा जाता है, एल्गिन की शीट पाई जाती है जिलेटिन की बनी हुई। नेक्स्ट इनकी प्लांट बॉडी में ये पार्ट्स पाए जाते हैं यानी होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट वो स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू ये एल्गी उस सबस्टेटम पर उस अपने बेस पर अटैच होते हैं, जहां फिक्स होते हैं ये, उस स्ट्रक्चर को हम होल्ड फास्ट बोलते हैं जिसके थ्रू ये वहां अपनी पोजीशन पर अपने सबस्टेटम पर लगे होते हैं। फिर स्टॉक पाया जाता है इनमें, स्टाइप पाई जाती है, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर में फ्रॉन्ट्स पाए जाते हैं इनके अंदर, फ्रॉन्ट FRONDS, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इनका। तो ये प्लांट बॉडी इसके इन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हम कह सकते हैं दे आर डिटेल्ड बेटर। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसके में भी सेम है, फ्रेगमेंटेशन के जरिए ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है यहाँ भी, और जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके लिए बाइफ्लेजिनेट ज़ूस्पोर्स पाए जाते हैं, यानी इनके जो ज़ूस्पोर्स हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बॉडीज हैं वो बाइफ्लेजिनेटेड होती है जिनके अंदर दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, और सेक्स सेल्स में या गैमेट्स में यहाँ वही सेम कैटेगरी आइसोगैमस भी है, एनाइसोगैमस भी है, और ओगैमस भी पाए जाते हैं जो कि ओगोनियम में पाए जाते हैं, तो ओगोनियम खासकर जो ओगैमस वाली वैरायटी वहां पे है। तो एग्जांपल्स हैं इसके एक्टोकार्पस, डिक्टायोटस, लेमिनेरिया, सार्गेसम और फ्यूकस। ठीक, तो फ्यूकस, सार्गेसम, लेमिनेरिया, डिक्टायोटा और एक्टोकार्पस ये इसके एग्जांपल्स में आते हैं प्यूफाइसी में। लेट्स प्रोसीड टू आवर थर्ड पार्ट, दैट इज रोडोफाइसी। इनको कॉमनली रेड एल्गा कहा जाता है, और रेड एल्गा कहने का रीजन है क्योंकि इनके अंदर जो रेड कलर का पिगमेंट है वो ज्यादा पाया जाता है, यानी रेड कलर का पिगमेंट का नाम है R5-erythrin। ठीक, R5-erythrin ये रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है, इसकी वजह से इनकी बॉडी का कलर रेड है और इनको रेड एल्गा कहा जाता है कॉमनली। सेकेंड पॉइंट इज ये ज्यादातर मेराइन वाटर में ही पाए जाते हैं, यानी रोडोफाइसी के मेंबर्स एक्चुअली मेराइन हैबिटेट में होते हैं, खारे पानी में पाए जाते हैं, और उसमें भी ये अलग अलग डेप्थ पे पाए जा सकते हैं, यानी कुछ ऐसे हैं जो शेलो वाटर में, जो सरफेस के नजदीक वाले हिस्से में पाए जाएंगे, और कुछ ऐसे भी हैं जो डीप वाटर में पाए जाते हैं, जो समुद्र की गहराई की तरफ पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज मल्टी सेलुलर एंड कॉम्प्लेक्स बॉडी, इनके अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी पाया जाता है कहीं कहीं, और ये मल्टी सेलुलर टाइप की एल्गी है, जो कि हमने क्लोरोफाइसी में देखा था कि यहाँ पर यूनिसेल्युलर भी होते हैं। ओके, नाउ रोडोफाइसी का अगला पॉइंट है कि इनका जो फूड जो स्टोर किया जाता है, दैट फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। तो रोडोफाइसी के मेंबर्स में जो स्टार्च की फॉर्म है वो फ्लोरिडियन स्टार्च कहलाती है, ये यहाँ पर
फेज में हमने देखा था लेमिनेरियन स्टार्च था, जिसको मैनिटोल भी और आगे कहते हैं। तो ये फ्लोरिडिन स्टार्च एक्चुअल में जो एमाइलोपेक्टिन है और जो ग्लाइकोजन है उसके जैसा ही है। तो ये फ्लोरिडिन स्टार्च इज एक्चुअली सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन विच आर द फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स शुगर्स, यू नो दैट। सो नेक्स्ट इज इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अगेन सेम टाइप फ्रेगमेंटेशन से ही होता है। यहां भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए नॉन मोटाइल स्पोर्स पाए जाते हैं, प्रोटोफाइजी के मेंबर्स में भी नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, यानी इनके अंदर कोई फ्लैजिला वगैरह नहीं होता, दे कैंट मूव। ओके, नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनके ओगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें नॉन मोटाइल गैमेट्स बनते हैं, नॉन मोटाइल ओगैमस टाइप के जो ओगोनिया वाले स्ट्रक्चर्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन केस ऑफ रोडोफाइसी। और यहाँ पर मेंबर्स हैं इसके, यानी बेसिकली इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट भी होता है, क्योंकि मेल और फीमेल सेक्सेस जो नॉन मोटाइल है तो इनमें फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस भी आते हैं, डेवलपमेंट भी होता है यहाँ, राइट। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज कि इसके एग्जांपल्स में आते हैं पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम। तो जेलेडियम, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, ये इसके रोडोफाइसी के एग्जांपल्स हैं। सो गाइस आई होप यू आर एंजॉइंग ऑल दीज वीडियोस। एक्चुअली मेरी कोशिश होती है कि हर वीडियो में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश करूं, कुछ आप एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करूं, एज मच एज आई नो। सो गाइस टिल देयर टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर ऑल फैमिली मेंबर्स, कीप वॉचिंग वीडियोस, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।